अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आए। भारत में उनके स्वागत के लिए अहमदाबाद में जमकर तैयारियां की गई थीं। मंगलवार को अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में हैं और अब धमाकेदार स्वागत के बाद थी कूटनीति की बारी। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हैवी ड्यूटी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों की डील हुई। ये डील करीब 25,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इनमें से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर होंगे और 24 MH-60R रोमियो सी हॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर। जानने की रोमियो सी हॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और स्पेन का पसंदीदा हेलीकॉप्टर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले ही मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 24 US निर्मित MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने की $2 अरब की डील को मंजूरी दे दी थी और अब ट्रंप के दौरे के दौरान इन हेलीकॉप्टरों की डील पक्की हो गई है। रोमियो हेलीकॉप्टर की क्या है खासियत? यह हेलीकॉप्टर जंगी पोतों, जहाजों, पनडुब्बियों और दुश्मनों के अन्य ठिकानों को अचूक निशाना साधने में सक्षम है। समुद्र में तलाशी और बचाव कार्यों में भी इस हेलीकॉप्टर की काफी उपयोगिता है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। यह सतह और पनडुब्बी भेदी युद्धक अभियानों में भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में कारगर है। इस हेलीकॉप्टर में 4 से 5 केबिन क्रू के साथ 5 यात्री भी बैठ सकते हैं। MH-60 हेलीकॉप्टर में दोहरा नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होती है। इसके कॉकपिट में बैठे पायलट रात के घने अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बखूबी देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 270 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह 330 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है। रोमियो एक बार में 830 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, वह भी 12,000 फीट की ऊंचाई पर। यह 1650 फीट प्रति घंटे की गति से आसमान में टेक ऑफ भी कर सकता है। सिर्फ हमला करने में ही नहीं, बल्कि ये हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्यों में भी काफी मददगार साबित होगा। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कई अलग अलग तरह के हथियारों से लैस हो सकता है। इसमें हथियारों को लगाने के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। रोमियो पर 4 हेलफायर मिसाइल, एडवांस प्रोसीशन किल वेपन सिस्टम, M60 मशीन गन और MK-44 मोड 30mm के कैनन लग सकती हैं। इतने हथियारों के साथ जब यह आसमान में उड़ता है तो यह अपने आप में किसी अजूबा से कम नहीं होता, और जब इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना करेगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी ताकत बढ़ेगी और पस्त होंगे दुश्मनों के हौसले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।